अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बिग बैन के बारे में ऐसे हकायक बताएंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। लंदन का बिग बैन टावर नहीं है बल्कि इसके अंदर एक बेल है। टावर जहां पर बिग बैन वाकया है इसका नाम एलिजाबेथ टावर है और ये 1859 में मुकम्मल हुआ। ये घंटी 15 मिनट बजती है और इसके लिरिक्स ये हैं, ऑल थ्रू दिस आर लॉर्ड बी माई गाइड एंड बाय द पावर नो फुट शैल स्लाइड। अगस्त 2015 में बिग बैन का क्लाक 6 सेकंड तेज चलने लगा तो इसको ठीक करने के लिए पेंडुलम से कुछ सिक्के निकाले गए। लिबर्टी बेल और बिग बैन की घंटी एक ही फाउंड्री से बनाई गई थी और दोनों घंटियां क्रैक हो गई हैं। वर्ल्ड वार टू के दौरान बिग बैन की रोशनियां बंद रखी गई थीं ताकि जर्मन बमबारी के दौरान इसका सहारा ना ले सकें। लंदन बिग बैन टावर का टाइम दुरुस्त रखने के लिए ब्रिटिश पैनी सिक्कों का इस्तेमाल किया गया है। क्लार्क स्मिथ को हफ्ते में 3 दफ़ा 334 सीढ़ियां चढ़कर बिग बैन के क्लाक को ठीक करना पड़ता है जिसका टाइम मौसम प्रेशर और 156 साल पुराना होने की वजह से मुतासर होता है। अगर बिग बैन आज तामीर होता तो उस पर $2,22,000 का खर्चा आता। वर्ल्ड वार वन के दौरान बिग बैन 2 साल तक खामोश रहा और इस क्लाक की रोशनियां बंद रखी गईं ताकि जर्मन इससे रहनुमाई न ले सकें। वो कंपनी जो बिग बैन को मेंटेन रखती है वो 24 घंटे ड्यूटी करती है क्योंकि किसी भी वक्त कुछ ख़राब हो सकता है। 1949 में परिंदों का एक ऑल बिग बैन की मिनटों वाली सुई पर बैठ गया जिससे उसका वक्त 4.5 मिनट पीछे हो गया था। पीसा टावर की तरह बिग बैन टावर भी एक तरफ को झुकना शुरू हो गया है। कुछ लोगों के मुताबिक बिग बैन का नाम सर बेंजामिन हाल के नाम पर रखा गया जो सिविल इंजीनियर और सियासतदान थे। कुछ का ख्याल है बिग बैन का नाम बेन काउंट के नाम पर रखा गया जो इंग्लैंड का हैवीवेट चैंपियन बॉक्सर था।